वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीआर सीरीज के एक और न्यू वीडियो में। एंड हमारा आज होने वाला है बीआर सीरीज का एपिसोड नंबर 3, जिसमें कि हम इस नूब आईडी के अंदर अभी हमने न्यू आईडी बनाया था जो सीएस रैंक वाले एपिसोड के लिए, उसी आईडी में हम लोग यहाँ पे ग्रैंड मास्टर अचीव करने का कोशिश करेंगे, वो भी बीआर रैंक में। और इस आईडी में हमारे पास कोई भी गन स्किन नहीं है, ना ही कोई कैरेक्टर स्किल है, और कोई अच्छे दोस्त भी नहीं है। जितने भी दोस्त हैं वो सब रैंडम है, अभी अभी जोड़े हैं। तो अभी मेरा स्कोर वगैरह चेकआउट कर सकते हो जो कि मैंने अभी अभी खेला है। मैंने उतना ज़्यादा गेम प्ले भी नहीं किया, बस यहाँ पे 30-40 गेम ही खेले हैं। और अभी स्कोर देख सकते हो हमारा, यहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज से पुश किया था तो हमारा स्कोर इतना ज़्यादा अभी लो है। चलो यहाँ पे बाकी यहाँ पे सब स्किप करते हैं और आपको सब गेम प्ले की बात दिखाते हैं। सही बात है। ऑलराइट दोस्तों, तो रैंक बूस्ट करने के लिए सबसे जरूरी होती है हमारी लैंडिंग। और लैंडिंग आप लोग मैप में देख ही सकते हो कितनी घटिया लैंडिंग होती है हमारी। और हम पहले ही बार यहाँ पे बीमा शक्ति उतरे थे, हमेशा मैं पी क्या क्लॉक टावर पे उतरता हूँ पर बीमा शक्ति उतरा था। एंड यहाँ पे ही हमारी फेवरेट गन ट्रॉगन मिल जाती है जो कि अभी के टाइम पे अनस्टॉपेबल चल रही है। यहाँ पे मेरे को ट्रॉगन मिल ही चुकी थी और फिर मैंने उठाई यहाँ पे गाड़ी क्योंकि ऊपर की ओर फाइट हो रही है तो इन लोगों को मारना भी तो पड़ेगा ना मेरी जान। तो यहाँ पे मुझे फाइट करने वाले जैसे यहाँ पे बंदे देखते हैं, यहाँ पे मैं गाड़ी से उतर के यहाँ पे फायर देता हूँ और ये बंदा यहाँ पे कवर में चला जाता है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ और मेरे पास ट्रॉगन भी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था। अब मैं उसके पास जाके इसके बॉल में मारता हूँ बट यार ये बंदा उस बॉल में था ही नहीं। अब मैं यहाँ पे गाड़ी को यहाँ पे रोटेट करता हूँ, फिर यहाँ पे रोटेशन होते ही मेरी गाड़ी यहाँ पे फूट जाती है, वो बंदा मेरी गाड़ी को फोड़ देता है। अब मैं यहाँ पे इस खंभे का कवर लेता हूँ, फिर वो बंदा है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेट कराता है, फिर नेड फेंकता है, अंडा वगैरह फेंका, इसने दीवार बम फेंका, सब फेंका जितना इसके पास था सब फेंका। अब मैंने फिर यहाँ पे कसम खाली कि इसको मारना ही है और फिर मैं ऊपर गया, इसको बॉडी बॉडी देखी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सोनिया बना दिया और सोनिया बनते ही ये बंदा फिनिश हो गया, खत्म, बाय बाय टाटा। ऑलराइट गाइस, उस बंदे को मारने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस चार्जिंग वाले ड्रॉप के पास और इस ड्रॉप को चार्ज करने के बाद मुझे मिल जाती है यहाँ पे SBD। एंड यहाँ पे ड्रैगनो मिलने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से अपने बैग में से फालतू का सामान वगैरह फेंक देता हूँ और फिर उठाता हूँ अपनी गाड़ी। अब मेरे को ट्रैक मिल चुका था जो कि मेरा सबसे फेवरेट गाड़ी है अपडेट के बाद। अब मैं यहाँ पे बंदों को बैक टू बैक यहाँ पे ढूंढ कर यहाँ पे मारता हूँ और एक बंदा फिर से मैंने किल किया और यहाँ पे हो जाते हैं मेरे 2 किल और अभी सिर्फ 15 बंदे अलाइव थे तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा किल करना था। अब किल कैसे होंगे तो मैं यहाँ पे गाड़ी को भगाता जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे 2 बंदों की फाइट चल रही थी। अब एक बंदे को यहाँ पे गाड़ी से उड़ाने के बाद इस बंदे को एक बार और उड़ा देता हूँ, फिर बंदा सोनिया बन के हवा में यहाँ पे मेरा किल चोरी हो जाता है। अब इस बंदे ने मेरा किल चोरी किया तो इस बंदे को मैं छोड़ने वाला तो नहीं, इसका तो मैं किल लेके रहूँगा, इसको मतलब पूरा लॉबी में पहुँचा के रहूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे थे 3 नेड, अब मतलब 4 नेड थे तो मैंने एक फेंक दिया था लेकिन यहाँ पे अब 3 नेड बचे थे। अब मैंने एक और नेड फेंका बट वो बंदा पीछे चला गया था उस पेड़ के, तो मैंने एक और बॉल लगा के आगे गया और फिर मैंने यहाँ पे नेट कुक करना स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे नेट फेंका वो बंदा एक ही नेट से यहाँ पे सोनिया बन जाता है। और लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं था बट मैंने यहाँ पे दूसरा फेंका तब जाके वो डाउन हो गया। अब मैं आगे गया और इस बंदे को यहाँ पे फाइनली मैंने फिनिश किया एंड यहाँ पे ये बंदा मरने के बाद देखो मुझे कैसे घूर रहा है। और राइट गाइस, तो मेरे यहाँ पे 4 किल हो चुके हैं और देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखा है तो इसको भी पेटी बनाना पड़ेगा, ये बंदा मुझे मार रहा था अभी, इसको भी पेटी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं गाड़ी से और ऑलराइट अब आएगा मज़ा क्योंकि मुझे बंदे बैक टू बैक मिल रहे हैं तो इनकी गोभी बनाने में मज़ा आएगा और हमारी रैंक भी अच्छी खासी प्लस हो जाएगी। यार ये तो बच गया, पहले राउंड में ये बंदा बच जाता है, अभी देखते हैं क्या होगा बिकॉज मैं यहाँ पे राउंड लेके इसको मारूंगा तो इसको बिकॉज जोन में जाने नहीं दूंगा। एंड इस बंदे ने मेरी कार को भी आधा तोड़ दिया है और देख सकते हो आधी कार जल चुकी है, अब इसकी तो मैं पेटी बना के रहूँगा, अब तो मैंने कसम खा ली, इसको तो मैं जाने नहीं दूंगा। और अभी लास्ट बार और लो भाई सामने से टक्कर पड़ गई और सोनिया भी बन गया, अब उतर के मारते नहीं तो किल चला जाएगा। और चलो फाइनली फिनिश, और इसी के साथ हमारे फिनिश होने के बाद अब हम लोग इससे लूट करते हैं, इसके पास काफ़ी अच्छी लूट थी, शायद से बंदा ग्रैंड मास्टर वाला था या फिर मास्टर वाला था, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था अच्छा खासा खेल रहा था। अभी यहाँ पे मैं बंदों को ढूंढ रहा था बट बंदे मुझे मिले नहीं तो मैं इस घर के अंदर मुझे साउंड आ रहा था तो मैं इसके घर के चारों ओर यहाँ पे परिक्रमा लगाता हूँ गाड़ी से, ठीक है उतरता नहीं हूँ गाड़ी से लगा दो, बट यहाँ पे भी मुझे बंदे नहीं मिले तो मैंने सोचा इस बंदे में मतलब इस घर के अंदर आवाज़ तो आ रही थी बट बंदा नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे एक लैंडमाइन दिखा। अब लैंडमाइन इस घर के अंदर लगा था मतलब कि बंदा आसपास तो होगा, तो मैंने यहाँ पे लैंडमाइन को तोड़ के अब जा रहा था बंदे को ढूंढने के लिए, तभी यहाँ पे मुझे फुटस्टेप आया तो मुझे लगा इस घर के अंदर शायद बंदा है,
तो मैंने लिया एक हाथ में ग्रेनेड, और ग्रेनेड तो मेरे पास अभी सिर्फ दो ही थे जो कि मुझे उस बंदे से मिल गए थे। तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड को करके फेंक दिया और उस ग्रेनेड से एक बंदा डाउन हो गया, मतलब कि सोनिया बन गया। अब इसने डिमेट्री लगाए तो इस बंदे को पूरा फिनिश करते हैं। और चलो आगे हम लोग यहाँ पे, और ये बंदा फिनिश हो गया। इसी के साथ हमारे यहाँ पे 6 किल हो जाता है और अभी लास्ट के सिर्फ 3 बंदे अलाइव है, मतलब कि 2 बंदे मेरे को छोड़कर 2 बंदे। तो एक बंदा है जस्ट यहाँ पे इसके एलसेप के ऊपर है और ग्रेनेड कर रहा है मेरे ऊपर, तो अभी बाल बाल बच गया मैं। और एक बंदा देखो ऊपर की ओर है, दोनों को पकड़ के मैं ही मारूंगा, बट ये बंदा मुझे मारने का टाइम ही नहीं दे रहा, इतना ज्यादा परेशान किया इस मैच में इस वाले बंदे ने जो एलसेप के ऊपर बैठा है। भाई इतने ज्यादा ग्रेनेड थे कि अब मेरे पास भी 2 लड्डू है, तो इनकी खबर लेते हैं अच्छे से। और ये बंदा यहीं पे बैठा होगा, मैंने फेंक तो दिया है और शायद से सोनिया बन गया लग रहा है, काफी ज्यादा डैमेज लगा था और ये आया, चलो फिनिश हो गया। हमारे एक ही ग्रेनेड से मर गया बंदा और उसके 4-4, 5-5 ग्रेनेड आए थे, तब भी हम बच गए थे क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है। अब लास्ट वाला एनिमी लाइव था, इसका मैं वेट कर ही रहा था बस जस्ट यहाँ पे, तो बंदा खुद भी खुद यहाँ पे आ जाता है और देखना यहाँ पे क्या होता है। बंदा यहाँ पे आता है सामने से और मैं यहाँ पे इसको सोनिया बना देता हूँ और फिर यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ। और ये बंदा अपने डिमिट्री लगा के यहाँ पे रिवाइव करने का ट्राई कर रहा था, बट यहाँ पे मैं जाके इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, हमारा फर्स्ट गेम निकल चुका है बुइया, और इस गेम के अंदर हमें अच्छा खासा प्लस मिल गया था। फिर हम लोग यहाँ पे एक स्क्वाड मैच भी स्टार्ट कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो हम लोग स्क्वाड में कैसे खेलते हैं आप लोग को दिखा देते हैं, एक बार देख सकते हो। अब इस लॉबी के अंदर यहाँ पे कितने अच्छे बंदे आए थे आप लोग देख सकते हो। इस लॉबी के अंदर यहाँ पे एलो क्रिमिनल आया था, तो इस बंदे को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्लान बना के रखते हैं कि पीक पे उतरेंगे। अब पीक पे उतरने के लिए यहाँ पे मेरे को टीममेट को बोलना पड़ा था, तब जाके इन लोगों ने उतारा। अब यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया, M4N1 भी मिल गई और यहाँ पे मैंने इसको बॉडी डैमेज तो दिया है, और देखते क्या होगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा बंदा है। और यहाँ पे डाउन, चलो इसको मैंने पहला किल के साथ यहाँ पे डाउन किया और इसको फिनिश भी कर दिया। अब पहला किल होने के बाद हम लोग यहाँ पे लूट ही रहे थे, तो मैं इस बॉक्स को लूट रहा था। यहाँ पे होता क्या कि एक बंदा आ जाता है, अब इस बंदे को मैं यहाँ पे बॉडी डैमेज करता हूँ और फिर डाउन ले लेता हूँ। फिर इसको जल्दी से यहाँ पे फिनिश करने के लिए जाता ही हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या कि उसके रिश्तेदार आ जाते हैं मेरे को मारने के लिए, और देख सकते हो अभी 2 किल है मेरे और मेरी HP नोटिस कर सकते हो 50 के करीब ही बची है, और ये बस रिश्तेदार मेरे ऊपर रूट जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या कि मेरा टीममेट भी एक बंदा था मेरे साथ ही 4 नंबर, तो ये मेरे को कवर देने के लिए यहाँ पे आ जाता है। और देखो यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे डैमेज इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया, और ये बंदा काफ़ी अच्छा है लिटली। अब इसके पास ड्रैगन थी तो मैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज ले गया और इसको यहाँ पे जाके मार दिया, और ये बंदा डाउन हो गया लिटली। काफ़ी अच्छा बंदा था, ड्रैगन थी इसके पास, और ड्रैगन का तो लाजवाब कोई जवाब ही नहीं, तो क्या ही बोलूँ ड्रैगन के बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ ही सकते हो ड्रैगन कितनी ज़्यादा खतरनाक चल रही है। और यहाँ पे मेडिकेट वगैरह करने के बाद अभी यहाँ पे वेस्ट एक उठाता हूँ जो कि यहाँ पे मेरे को मिल चुका था डब्बे से, ठीक है। सो इतने में ही वही बंदा जिसको हमने पहले मारा था वो बंदा रिवाइव होकर फिर से एक भी आ जाता है और मेरे टीममेट को डाउन करता है, बट मैं इसको ऑली रेड दे के यहाँ पे डाउन करता हूँ। अब डाउन होने के बाद मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे टीममेट को यहाँ पे 4 बंदे मिलकर यहाँ पे मारने लगते हैं और मैं यहाँ पे जाके रश कर देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे 2 बंदों को सोनिया बनाए ओनली रेड नंबर, और यहाँ पे क्या होता है मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। भाई ये क्या था, और मेरा टीममेट भी मर जाता और हम लोग यहाँ पे मर जाते दोनों। आई एम सॉरी बाबू, अब यहाँ पे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर झटका के पास यहाँ पे बहुत सारे टोकन थे, तो हम लोग को रिवाइव कर देता है। अब हम लोग रिवाइव होने के बाद यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ ड्रॉप के पास, और ड्रॉप के पास मुझे मिल जाता है यहाँ पे लॉन्चर नहीं, यहाँ पे लॉन्चर मिल जाता है, और लॉन्चर मिलने के बाद आखिरी में मुझे यहाँ पे AWM मिल जाता है जो कि यहाँ पे काफी अच्छी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पे आए थे अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिल गया। अब देखो यहाँ पे लॉन्चर का कमाल देखो, यहाँ पे लॉन्चर से सीधा यहाँ पे सोनिया बन जाता है, और सोनिया बनने के बाद अब मैं क्या करता हूँ देखो आप लोग, यहाँ पे बंदा पैक कर लेता है, पैक करने के बाद मैं यहाँ पे एक लॉन्चर मारता हूँ और ये बंदा फिनिश हो जाता है। अब मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ, मेरे पास टोकन नहीं था, तो मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे टोकन उठाता हूँ, 200 टोकन मिल जाते हैं। फिर मेरे पास 700 थे, तो मैं एक बंदे को रिवाइव करता हूँ जो कि झटका था। अब इसको रिवाइव करने के बाद होता क्या कि मैं यहाँ पे जा ही रहा होता हूँ कि यहाँ पे वो ही बंदा जिसको मैंने मारा था वो बंदा फिर से आके यहाँ पे मेरे को मारने लगता है, तो मैं इसको फिर से लॉन्चर का स्वाद दिला देता हूँ और ये बंदा डाउन हो जाता है। अब इसको मैं AWM से लेके यहाँ पे फिनिश करता हूँ, एंड ये बंदा काफ़ी अच्छा था मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे को लग रहा था इसको टाइम नहीं मिला मारने का, अगर मिलता तो ये बंदा मुझे मार सकता था,
अब यहाँ पे आने के बाद एक बंदा और दिखा, इसको 150 दिया और डाउन। चलो एक और बंदा है, इसका टीममेट है, नहीं फाइट कर रहे थे दोनों, मतलब कि अलग अलग है, और मेरा किल चोरी कर लिया, इसकी खैर नहीं है, और सोनिया बन गया। चलो डाउन, अब इसका किल जल्दी करते हैं, नहीं तो किल चोरी हो जाएगा। और पीछे से भी मार रहा है बंदा, कितना गंदा मार रहा था। अब यहाँ पे इतने में मैं सुपर मेडिकेट मार दूँ तभी मेरा दूसरा किल भी चोरी हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर क्या ही कर सकता था, किल चोरी तो हो ही गया ना। और यहाँ पे किल चोरी होने के बाद अब मेरा मूड खराब हो ही चुका था, तो मैं जाता हूँ अंदर। यहाँ पे अंदर की ओर फाइट चल रही थी बंदों की, तो अंदर जाके यहाँ पे एक बंदा दिखता है, मैं स्कोप लेके जैसे ही मारता हूँ, बंदे पीछे से आगे से दोनों ओर से मुझे रस करके यहाँ पे देखना क्या करते हैं भाई, दोनों ओर से मार दिया और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। अब यहाँ पे इस गेम के अंदर ज़्यादा प्लस नहीं हुआ था, मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, इस गेम के अंदर हमारा इतना ज़्यादा प्लस हुआ नहीं था, 28 का प्लस हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ तक आने के बाद मर गया था और मेरी स्क्वाड भी जाके मर गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगा है, तो यार कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय मेरी जान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।